कोई है? अम्मी बाप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन बाद चक्कर लगाया हमारे घर। बेटे बस आजकल काम ही बहुत ज्यादा है, मेरी हिम्मत नहीं होती। फिर की तबीयत ठीक है? ठीक है। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक भाभी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। भाभी ये थोड़ी सी मिठाई थी। मिठाई? ओ भाभी मेहरू का रिश्ता तय किया है, छोटी सी तकरीब है घर में, आपको दावत ही देने आई थी। तकरीब? बस मंगनी करेंगे और उसी वक्त तारीख भी तय कर देंगे। अच्छा भाई माशाल्लाह, तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई। कौन लोग हैं, कहाँ रिश्ता तय किया? वो बॉस है मेहरू के, मेरी मुलाकात भी उनसे अस्पताल में ही हुई थी, मिलने आए थे मुझसे। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, खुश मिजाज, सुलझे हुए, मुझे तो अच्छे लगे। चले भाई, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे बच्ची के, बस आप इस जिम्मेदारी से फारिग हो जाए तो फिर आराम कर। वो भाभी मैं बस दरख्वास्त कर रही थी कि आए तो अगर थोड़ा सा जल्दी आ जाए। हाँ जी अम्मी, मैं आ जाऊंगी। अच्छा क्या लगा आपको? इस तरह घर के दरवाजे बंद कर देने से आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे? मुझे यूं बीच रास्ते में छोड़ के चली जाएंगे और मैं खामोश तमाशा ही बना आपकी शक्ल तकता रहूंगा? कभी एहसास नहीं हुआ मैं कितना मोहब्बत करता हूं आपसे, कितना चाहा है मैंने आपको। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो ना अपने? मैं तो हमेशा से होश में ही था मेहरू जी, मैं हमेशा से होश में ही हूं। आप अपने होश खो रही हैं। वरना यूं किसी और का घर बसाने के बारे में कभी ना सोचती आप। मैं याद नहीं आया आपको, मेरी मोहब्बत याद नहीं आई, इतना एहसास नहीं किया आपने कि आप किसी और से शादी करेंगी अगर तो मुझ पर क्या गुजरेगी। तुम ये मत भूलो कि तुम शादीशुदा हो। मैं नहीं मानता इस नाम नेहाद रिश्ते को। मैंने जो कुछ भी किया आपकी मोहब्बत में आके किया, मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता था मेहरू जी। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आप मुझे आवाज देंगी, मैं सारे रिश्ते सारी जंजीरें तोड़ के आपके पास आ जाऊंगा। बहुत चाहता हूं मेहरू जी, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था शाहजहां, कि बहन की खुशी उसका घर बर्बाद करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अच्छा फिर मैं कहूं आपकी जिंदगी में मेहरू जी? मेरी कोई हैसियत कोई औकात है आपकी जिंदगी में? तुम आयत के शोहर हो और मेरे मुजरिम। मेहरू जी मैं मानता हूं कि मैं आपका मुजरिम हूं, वो जुर्म भी गलती से हुआ था मुझसे, जानबूझ के थोड़ी किया था मैंने। क्या मेरी खता इतनी बड़ी है कि मेरी मोहब्बत कोई दफना दे? अपने गिल्ड को मोहब्बत का नाम देके बदनाम मत करो शाहजहां। अब तुम्हारे किसी बहलावे में नहीं आऊंगी मैं, जाओ यहां से। आपको मेरी मोहब्बत बहलावा लगती है?
ठीक है तो फिर साफ साफ बात कर लेते हैं आज। अब जब बात मोहब्बत की रही नहीं है तो मैं देखता हूं कि आप कैसे उस शख्स से शादी करती हैं। कुछ भी हो जाए मैं आपकी शादी किसी से नहीं होने दूंगा मेहरुखे। तो मेरी बात भी सुन लो, अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और उसके जिम्मेदार तुम होगे, याद रखना। ऐसे खाला तो यकीन ही नहीं आ रहा। शुक्र करो अल्लाह का जिसने उसका दिल बदल दिया। अब देखना कैसे शाहजहां तुम्हारी तरफ पलटेगा। उसी दिन का तुम इंतजार है मुझे, कब वो मेरी तरफ लौट के आएंगे। शुक्राने की नफिल अदा करूंगी मैं उस दिन। बस एक चीज का डर है, कहीं शाहजहां कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बल्कि मेहरू उसे ऐसा कुछ नहीं करना। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? बस छोड़ो इन बातों को, तुम मंगनी में जाने की तैयारी करो। और हाँ सुनो, सबसे अच्छा भारी भरकम वाला जोड़ा निकाल के पहनना, ताकि मेहरू के ससुराल वालों को पता चले कि तुम भी किसी हल्के खानदान की बहू नहीं हो। हाँ।